हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग माय चैनल एडुका लर्निंग। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2019 के लिए इंडियन टीम में हमें कुछ नए प्लेयर्स देखने को मिल सकते हैं। बीसीसीआई और सिलेक्टर्स की माने तो इस बार वर्ल्ड कप 2019 में इंडियन टीम में कुछ नए प्लेयर्स को शामिल किया जाएगा। इसी के चलते इंडियन टीम को एक ऐसा विकेट कीपर मिला है जो MS धोनी की बराबरी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, उस प्लेयर का नाम अंकुश बेन है। अंकुश 21 साल के हैं और इतनी कम एज में ही वे बहुत ही ज़बरदस्त विकेट कीपिंग करते हैं। अंकुश इंडियन अंडर 19 टीम से खेल चुके हैं। IPL 2017 में उन्हें राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने 10 लाख की बेस प्राइस पर खरीदा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें एक भी मैच नहीं खिलाया गया था। वे इस समय हिमाचल प्रदेश की तरफ से रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। इस सीज़न में उन्होंने अब तक 7 मैचेस में टोटल 11 स्टंपिंग की हैं। जी हाँ दोस्तों, रणजी ट्रॉफी के इस सीज़न में अभी तक उन्होंने एक भी स्टंपिंग मिस नहीं की है। इसके अलावा भी उन्होंने कई ऐसी स्टंपिंग्स की हैं जो MS धोनी की कुछ बेस्ट स्टंपिंग्स के बराबर हैं। दोस्तों, ये तो रही विकेट कीपिंग की बात, अब उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस देखें तो वो भी बहुत बढ़िया है। इस सीज़न में वे 3 हाफ सेंचुरीज भी मार चुके हैं। दोस्तों, अभी इंडियन टीम में टेस्ट मैचेस के लिए कोई विकेट कीपर फिक्स नहीं हुआ है, तो ऐसे में टेस्ट मैचेस के लिए अंकुश को टीम में शामिल किया जा सकता है। और अगर अंकुश ऐसे ही मेहनत करते रहे और अपनी विकेट कीपिंग को और भी बढ़िया करते गए तो उन्हें वर्ल्ड कप 2019 में एज अ सब्स्टिट्यूट विकेट कीपर खिलाया जा सकता है। और अगर वर्ल्ड कप 2019 के बाद MS धोनी रिटायरमेंट लेते हैं तो उनकी जगह अंकुश बेन ले सकते हैं। दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँगा तो आप सबसे पहले देख पाएँ। तो दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।